स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का टॉपिक है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द कॉर्डेट्स। हमने इसके पहले वाले वीडियो के अंदर कॉर्डेट्स के फंडामेंटल कैरेक्टर्स पढ़े थे, आज हम जनरल फीचर्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट कहां पर है। तो ये जलीय हो सकते हैं, स्थलीय हो सकते हैं या वायवीय हो सकते हैं, मतलब दे कैन बी फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ द हैबिटेट्स। एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या फिर कैसे हो सकते हैं, एरियल हो सकते हैं। शरीर द्विपार्श्व सममित, यानी कि इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा सकती है, यानी कि आप जब एक ऑर्गेनिज्म को लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के ऊपर काटोगे तो आपको दो लेफ्ट और राइट हाफ मिलेंगे एंड लेफ्ट हाफ राइट हाफ का मिरर इमेज होता है। तो ऐसी सममिति को हम द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। ये त्रिस्तरीय होते हैं, यानी कि इनके अंदर तीन जनन स्तर पाए जाते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, अच्छा, इनकी भ्रूणीय अवस्था के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में मसल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसमें मेटामेरिज्म पाया जाता है, यानी कि वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। यानी कि केवल वास्तविक खंडी भवन का मतलब है कि बॉडी बाहर से भी डिवाइडेड है और भीतर से भी डिवाइडेड है, यानी कि भ्रूणीय अवस्था में मसल्स की जो व्यवस्था होती है उनमें समखंडी भवन या मेटामेरिज्म पाया जाता है। जबकि एडल्ट्स के अंदर जो खंडी भवन है वो रिब्स के अंदर देखने को मिलता है, पसलियों के अंदर देखने को मिलता है और कशेरुकाओं के अंदर, वर्टिब्रा के अंदर देखने को मिलता है। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वास्तविक सिलोम पाई जाती है। याद रखें, वास्तविक सिलोम वह है, ट्रू सिलोम वह है जो मीजोडर्म द्वारा क्या रहती है, आस्तरित रहती है। तो इनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है और इनके अंदर जो सिलोम का प्रकार है वो कौन सा है, एंटीरोसील प्रकार है। कौन सा है, एंटीरोसील प्रकार। इन्हें ड्यूटेरोस्ट्रोमेट्स के अंतर्गत रखा जाता है। ड्यूटेरोस्ट्रोमेट्स का मतलब क्या होता है, ड्यूटेरोस्ट्रोमेट्स वे जीव होते हैं जिनके अंदर की कोरक रंध्र से, ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होता है, यानी कि एनस का क्या होता है, निर्माण होता है। यदि मैं इनके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र की मैं बात करूं तो इनके अंदर रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो बंद प्रकार का होता है, क्लोज्ड टाइप का होता है, यानी कि जो ब्लड होता है वो क्लोज्ड वेसल्स के अंदर बहता है, ना कि ओपन स्पेसेस के अंदर पाया जाता है। इनमें आरबीसी उपस्थित होती है और आरबीसी के अंदर एक लाल कलर का श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। इनके अंदर जो हृदय होता है वो शरीर की अधरीय सतह में, अधरीय सतह कौन सी, ये वाली वेंट्रल सतह के ऊपर ये पाया जाता है। ओके, और इनकी जो डॉर्सल ब्लड वेसल है, यानी कि जो पृष्ठ रक्त वाहिनी है उसमें रक्त का जो बहाव होता है वो अग्र से पश्च दिशा की तरफ होता है, यानी कि द ब्लड फ्लोज इन डॉर्सल ब्लड वेसल फ्रॉम एंटीरियर रीजन टू पोस्टीरियर रीजन, यानी कि अग्र भाग से पश्च भाग की तरफ बहाव होता है रक्त का। अच्छा, याद रखो सभी कॉर्डेट्स में यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। इन ऑल कॉर्डेट्स हिपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट, यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। अब यकृत निवाहिका तंत्र क्या होता है, तो यकृत निवाहिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें आहार नाल से आने वाली जो शिराएं होती है वो पहले हृदय में नहीं खुलती है, वो पहले कहां पर खुलती है, लिवर के अंदर। लिवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होता है, विष हरण होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हटाया जाता है और तब कहीं जाकर वो ब्लड वेसल्स कहां पर खुलती है, दैट इज नोन एज इन द हार्ट। तो ऐसे सिस्टम को हम यकृत निवाहिका तंत्र कहते हैं जिसमें आहार नाल से आने वाली विभिन्न शिराएं पहले हृदय में नहीं खुलती है, पहले यकृत में खुलती है, राइट। तो इसको हम यकृत निवाहिका उपतंत्र कहते हैं। ठीक इसी तरीके से बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ दीजिए, पक्षियों को और स्तनधारियों को छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी कॉर्डेट्स के अंदर वृक्क निवाहिका तंत्र, रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है। ठीक है, नाउ ज्यादातर वर्टिब्रेट्स में बाह्य कंकाल विकसित होता है। कई सारे कॉर्डेट्स आप देखोगे तो उनके अंदर एक्सोस्केलेटन विकसित होता है, जैसे एक्सोस्केलेटन के रूप में रोम हो सकते हैं, यानी कि बाल हो सकते हैं, फेदर्स यानी कि पंख वगैरह हो सकते हैं, नाखून हो सकते हैं, राइट, सींग हो सकते हैं, खुर हो सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। और इनके अंदर अंतर कंकाल भी विकसित होता है, एंडोस्केलेटन भी बहुत ज्यादा विकसित होता है। और ये जो एंडोस्केलेटन होता है वो उपास्थि या अस्थि का बना होता है, यानी कि जो इनका जो इस एंडोस्केलेटन है वो या तो कार्टिलेज का बना होता है या फिर बोन्स का बना होता है। ओके,
प्लस यदि हम इनके अंदर उत्सर्जी अंगों की बात करें तो उत्सर्जी अंगों के रूप में इनके अंदर किडनी पाई जाती है। लेकिन किडनी तीन प्रकार की हो सकती है, कुछ में तो प्रोनेफ्रिक होती है, कुछ में मीजोनेफ्रिक और कुछ में मेटानेफ्रिक। ये जो क्लासिफिकेशन है किडनी का, ये पोजीशन के बिहाव के ऊपर है। सबसे ऊपर की तरफ यदि किडनी हो तो प्रोनेफ्रिक, उसके नीचे की तरफ हो तो मीजोनेफ्रिक, उसके नीचे की तरफ हो तो मेटानेफ्रिक। ओके, जनन का प्रकार, इनके अंदर जनन का जो सबसे डोमिनेटिंग प्रकार है वो कौन सा है? लैंगिक जनन, यानी कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो डोमिनेट करता है। ओके, और इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है नर अलग मादा अलग, ठीक है ना। नर और मादा बिल्कुल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट है। इसको हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कि इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। परिवर्तन, यदि हम डेवलपमेंट की बात करें क्वार्टेट्स के अंदर, तो डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है, या तो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वावस्था अनुपस्थित होती है, या अपवाद स्वरूप कुछ के अंदर लार्वावस्था हो सकती है। और जब लार्वावस्था होती है तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष। लेकिन ज्यादातर प्राणियों के अंदर लार्वा नहीं होता है, इसलिए प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। कॉर्डेट्स या तो असमतापी भी हो सकते हैं या समतापी भी हो सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड हो सकते हैं या वार्म ब्लडेड। असमतापी क्या होते हैं, वे जीव जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के एम्बियंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने शरीर का तापमान बाहरी तापमान के अनुसार बदलते नहीं है, ठीक है, उनका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। असमतापी के अंदर टेम्परेचर बदलता रहता है, जैसे पीशेज मछलियां, उभयचर और सरीसृप असमतापी कॉर्डेट्स हैं। और समतापी कॉर्डेट्स कौन कौन से हैं, बर्ड्स और मैमल्स। ओके, साथ ही याद रखना कि इनमें पूर्ण विकसित आहार नाल भी पाई जाती है। एलिमेंट्री केनाल वेल डेवलप्ड होती है और एलिमेंट्री केनाल से संबंधित पाचक ग्रंथियां भी इनके अंदर पाई जाती है। और मैंने यहाँ पर कुछ करेक्टर्स यहाँ पर और भी लिखे हुए हैं। ये है तो कॉर्डेट के करेक्टर्स है, लेकिन ये जनरल फीचर्स ना होकर फंडामेंटल फीचर्स है। लेकिन क्योंकि मैं कॉर्डेट्स के सारे करेक्टर्स को डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिए हैं कि इनके अंदर नोटोकोड पाई जाती है। जीवन की किसी न किसी प्रवस्था में नोटोकोड पाई जाती है। पृष्ठ नलिकाकार तंत्रिका रज्जु डॉर्सल ट्यूबलर नर्व कोड पाई जाती है। ग्रसनीय क्लोम धराने फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट्स पाई जाती है। और पश्चिम गुदीय पूंछ यानी कि पोस्ट एनल टेल भी पाई जाती है। लेकिन ये जनरल फीचर्स नहीं है, ये पिक्यूलर फंडामेंटल फीचर्स है। लेकिन डिस्कशन अपने कॉर्डेट्स के करेक्टर्स का हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। तो दीज आर फंडामेंटल करेक्टर्स। ये कौन से करेक्टर है, फंडामेंटल करेक्टर्स। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत कॉर्डेट्स के जनरल फीचर्स पढ़े। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कॉर्डेट्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, देखते रहिए। यदि आप इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।